आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्टिकल मशीन के बारे में। ज्यादातर जितने भी सारे लोग जो रिपेयरिंग करने वाले होते हैं, रिपेयरिंग करने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं, उनको एक ऑर्टिकल मशीन एक हमारा टूल आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर जो कंप्यूटर निकालना है, चार्जिंग पिन निकालना है, माइक निकालना है, या कोई भी ऐसा चीज है जिसको हमको निकालना है, तो निकालने के लिए हम लोग ऑर्टिकल मशीन का यूज करते हैं। बाकी तो सारे जो टूल है, बाकी सारे इक्विपमेंट है, वो तो ऐसे ही उसको पकड़ने वाले जो स्क्रू ड्राइवर खोलने वाला है, उनमें कोई खास मैकेनिक भी नहीं है, और बाकी चिमटी है उसमें भी कोई मैकेनिक भी नहीं है। एक अगर मैकेनिक में देखा जाए तो सबसे पहली जो मशीन आती है वो हमारी ऑर्डर मशीन आती है। ऑर्डर मशीन है और जैसे तुम्हारी डिस्प्ले सप्लाई मशीन है और एडेप्टर है, तो इस तरीके से ये थोड़े से मैकेनिक वाले होते हैं, मतलब इसमें टेक्निक होती है तो आपको समझना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज को रिपेयरिंग करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी वर्किंग करेंगे, तो इन सब चीजों का टाइमिंग, टेम्परेचर, यूज करने का तरीका, ये सब कुछ आप नोट करेंगे। सबसे पहली बात है, जब हॉटगन का आप यूज करते हैं तो हॉटगन में कोई भी कंपोनेंट को निकालने के लिए जो आपका टेम्परेचर रखा जाता है वो आपको 380 से लेकर के 380 से लेकर के 400 तक टेम्परेचर को रखते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन करने चार्जिंग जेब उतारे तो चार्जिंग जेब उतारते समय आप इसका टेम्परेचर 380 से लेकर 400 तक रखेंगे। जैसे 380 से लेकर 400 तक रखेंगे तो आपके मोबाइल फोन का कोई भी चार्जिंग कनेक्टर है वो सब निकल आएगा, राखा गीला हो जाएगा और चार्जिंग कनेक्टर बाहर निकल के आ जाएगा। ये कोई भी आईसी आप बता रहे तो भी आप बता सकते हैं, मतलब कितना होना चाहिए 400 तक, ये टेम्परेचर की बात आती है। दूसरी बात आती है एयर की, इसका जब आप किसी भी चीज को उतारेंगे तो एयर का जो प्रेशर होता है 4 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। जो हॉटसन का जो एयर है, एयर का प्रेशर कितना होना चाहिए 4 से लेकर 5 के बीच में एयर का प्रेशर होना चाहिए। ये किसी भी चीज को निकालने लगाने की बात है। यदि यहाँ पर दूसरा सेकंड पॉइंट बात आती है, यदि आप आईसी का काम करेंगे तो आईसी का काम करने के लिए सबसे पहली चीज आती है आईसी को, जिसमें सारे लोग होते हैं जब रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं आईसी को, जब आप रिवॉल्विंग करते हैं तो रिवॉल्विंग करते समय उस समय पर जो हमारा हॉटगन का जो टेम्परेचर होता है वो 350 से लेकर 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 350 से लेकर 360 होना चाहिए। अगर आपने हॉटगन का टेम्परेचर 400 कर लोगे तो जितने भी सारी बोले हैं, सारी बोले निकल करके आपस में मिल जाएगी, अगर उससे कम कर लोगे तो फिर वो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा। तो आप कितना होना चाहिए 350 से लेकर के 360 के बीच में होना चाहिए। जब आईसी रिवॉल्व हो जाएगी उसको जब आप मदरबोर्ड में लगाएंगे और यहाँ पर जो 350-60 होने चाहिए, दूसरी बार जो एयर होना चाहिए, एयर तुम्हारा 2 से 3 होना चाहिए। ये किसका बात है टेम्परेचर का बात है, और ये किसका बात है एयर। ये कोई भी चार्जिंग है कंपोनेंट को निकालने का ये है, और अगर आईसी को निकाल करके रिवॉल्व करने का टेम्परेचर ये है। जब आईसी को रिवॉल्व कर लेंगे तो रिवॉल्व करने के बाद दूसरी चीज, जब आईसी को मदरबोर्ड में लगाएंगे तो मदरबोर्ड में आईसी को लगाते समय आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए 380 से लेकर के 400 होना चाहिए, और वहां पर सबसे पहली बात पहली एयर 1 से लेकर 2 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए एयर 1 से लेकर 2 होनी चाहिए। जब आईसी हल्की सी बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपका जो एयर का जो प्रेशर है वो 4 से 5 कर लो, और उसके बाद आईसी को हल्का सा हिलाओ। आपका तो सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जब 1 से 2 एयर में आप आईसी को लगा रहे होते हैं उस समय पर आपकी आईसी बैठ जाती है, पकड़ कर लेती है। जब हल्की से आईसी पकड़ कर लेती है तो उसके बाद जब 4 से 5 से एयर से जब मारते हैं तो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है आईसी में, और आईसी को हल्का से हिलाते हैं तो उसकी सारी पिनें ऑटोमेटिक अपने बॉल में बैठ जाते हैं। अगर तुम पहले ही 4 से 5 पे एयर पे अगर करोगे तो आपका आईसी बार बार धड़कन में भगेगी, आईसी अपने पैर से उड़ जाएगी। जब आईसी अपने पैर से उड़ जाएगी तो आईसी लगेगी नहीं और आपको बार बार परेशानी आएगी। तो ये सारा सब कुछ जो रहता है आईसी रिकॉल करने का है, और ये आपको हॉटगन का है। अगर आप किसी हॉटगन के माध्यम से अगर आप मोबाइल फोन में से काम को खोलना चाहते हैं, क्या खोलना चाहते हैं काम को खोलना चाहते हैं काम को ओपन करने के लिए आपका जो हॉटगन का जो टेम्परेचर है ये तुम्हारा 250 होना चाहिए।
कितना होना चाहिए 250 टेम्परेचर करेंगे और एयर जो रखेंगे ये फुल रखेंगे, एयर क्या करेंगे एयर फुल रखेंगे और ऊपर से हीट करेंगे। जैसे ये हमने मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन लेने के बाद वाटर मशीन लिया और इसको ऊपर से गर्म करेंगे, क्या करेंगे ऊपर से गर्म करेंगे। उस समय गर्म करते समय हमारा हॉट गन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए और एयर क्या होना चाहिए ठीक। तो इस तरीके से आप हॉट गन का यूज करेंगे, इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन में काम को निकालते नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्पेशल ग्रैंड स्केल अच्छा है तो आप इससे कामों को तुम कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन कामों को कटिंग तक कर सकते हो, फोन में लगे लगे कामों की कटिंग भी कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि आप उसमें आईसी को रिवॉल्व करके लगा भी सकते हो और टेम्परेचर से चार्जिंग कनेक्टर माइक वाइक सब कुछ आराम से बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैक पैनल खोलने के लिए भी हम लोग यही रखते हैं, क्योंकि अगर हमारा जैसे 300-350 के ऊपर टेम्परेचर चल जाता है तो फिर हॉट गन की क्षमता ऐसा होता है किसी चीज को पिघलाने लगता है, तो हमको किसी चीज को पिघलाना नहीं है, जलाना नहीं, खराब नहीं करना, सिर्फ हमको गर्म करना है। क्योंकि हमारे जितने भी बैक पैनल होते हैं या कांबो होते हैं वो लगे होते हैं ग्लू के सारे चिपके होते हैं, किसके सारे चिपके होते हैं। अब ग्लू को अगर तुम 100-110 टेम्परेचर दे दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्लू ढीला हो जाएगा। तो हम लोग 250 रख लेते हैं, 250 इसलिए रखते हैं क्योंकि बिल्कुल तुरंत फटाके तो देते नहीं, थोड़ा सा ऊपर से देते हैं। तो जब ऊपर से 250 मारेंगे तो वहां तक पहुंचे 110 हो जाएगा, तो हमको 110 टेम्परेचर जैसे उसको मिलेगा तो ग्लू ढीला हो जाएगा, बैक पैनल पिघलेगा भी नहीं। अगर 350-400 करोगे तो बैक पैनल पिघल भी जाएगा, प्लास्टिक का होगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा ना। तो अगर हमारे पास सेपरेटर नहीं है, खाली मिलते नए टेक्निशियन है, तो हॉट गन के माध्यम से वो रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको हॉट गन के बारे में बताया कि हॉट गन को हम लोग कैसे यूज करेंगे और हॉट गन के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को कैसे ठीक करेंगे, यूज करेंगे। तो इन सब चीजों को बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए हॉट गन हमारी खराब हो जाती है तो खराब होने के 3 रीजन। एक तो सबसे पहला रीजन होता है कि हॉट गन जब भी आप काम करेंगे तो काम करने के बाद हैंडल को वही अपनी जगह पर रख दें, क्योंकि ये सारी फटाफट हैंडल होती है अपने मन से बंद हो जाती है। दूसरी बात की अगर आप रखना भूल गए तो ठीक, क्योंकि उसके अंदर हीटर एलिमेंट लगा उसका समय है, अगर उतने समय से ज्यादा जब हो जाएगा और प्रॉपर हीट हो रहा है तो वो सब क्या रहेगा, आप अगर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा। पहली चीज पहले उसको हैंडल को रख दें। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप इसको कोई भी चीज रिपेयरिंग करेंगे तो कितना भी बेहतर है छोटा मोटा कंपोनेंट कुछ भी करें लेकिन एयर को जीरो ना करें। जब आप एयर जीरो कर देते हैं तो अंदर की जो हीटिंग होती है बाहर निकल नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, सब पिघल जाता है, सब जल जाता है। तो इसलिए क्या है कभी भी एयर को जीरो नहीं करेंगे। तीसरी चीज आप हीटिंग को कभी फुल नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जैसे आपका 450 तक इसमें हीटिंग दिया, कितना दिया हुआ है 450 तक दिया है, तो 450 का मतलब होता है 410-420 तक भी जाए, 430 में ना घुस जाए, पूरा 450 में जाए, क्योंकि जैसे फुल में चले जाओगे तो हीटर का लिमिट क्रॉस हो जाएगा और जैसे लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो फट से हीटर से हो जाता है बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो लिमिट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हॉट गन के सेफ्टी रखने के 3, पहला हैंडल को तुरंत रखते यूज करने के बाद, दूसरा चीज क्या है कि मशीन को जब काम है तो ऑन करें तो बंद रखें, तीसरी चीज क्या है कि उसका एयर जीरो ना करें, चौथी चीज क्या है उसका हीटर कभी फुल ना करें। अगर इन 4 नियम को अगर आप अपने लाइफ में 6-3 के साथ में अगर आप यूज करते रहोगे तो समझ लीजिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो हॉट गन मशीन जो होती है ये 220 वोल्ट की होती है और 3 एम्पीयर की होती है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 230 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 650-700 वाट पावर खाती है ये हॉट गन मशीन। तो अगर आपके घर में अगर छोटा सा इन्वर्टर होता है, अगर 750 वाट से नीचे इन्वर्टर होता है तो ये हॉट गन मशीन नहीं चल पाएगी। अगर आप चलाओगे तो इन्वर्टर का चीचूम बार बार चालू बंद कट कट ऑफ ऐसा होगा, तो इसलिए आपका इन्वर्टर है 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप हॉट गन चलाना है तो 750 से ऊपर इन्वर्टर खरीदना है। इन्वर्टर पर जब भी हॉट गन का आप इस्तेमाल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत कॉस्टली काम करना है, क्योंकि इन्वर्टर में एम्पीयर ज्यादा होते हैं, इस वजह से अगर जब यूज करो यूज करने के बाद तुरंत उसको बंद कर दो। अगर तुमने उसमें समय जैसे लाइट में लापरवाही बरत देते हो ऐसे इसमें अगर लापरवाही बरत दोगे तो तुरंत इसका एलिमेंट टूट जाएगा। और जो इन्वर्टर पर मशीन चलाते हो तो फुल चलती है, ऐसी लगेगा कि यार इतना बढ़िया तो लाइट में भी नहीं चलता,
इन्वर्टर पे जल्दी गर्म, इन्वर्टर पे जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर तुरंत यूज करने पर बंद कर देना है, अगर तुम बंद करने में थोड़ा समय लगा दिया फिर भी लगे पाए हो तो खत्म हो जाएगी, मशीन उड़ जाएगी। और इन्वर्टर पर कोशिश करनी कि ज्यादातर आप मशीन को कम यूज करें, जितना इन्वर्टर को मशीन को कम यूज करेंगे उतना मशीन का लाइफ ज्यादा रहेगा। इन्वर्टर पर सबसे ज्यादा मशीन खराब होने के चांस रहते हैं क्योंकि हम जैसे समय लग जाता है भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने हॉटलिंग के बारे में बताया है, इससे कैसे यूज करना है, कैसे इसका बचाव करना है, कैसे इसका रख रखाव करना है। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, 3 लोग हैं जिनका अपना पूरा बैच कंप्लीट हो गया है और ये कोर्स कंप्लीट होकर के अपने घर जा रहे हैं। और बाकी यहाँ की तरफ से सभी बच्चों के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है कि अगर सीखने वाले अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो फिर दोबारा आकर वो सब चीजों को सीख सकते हैं या कभी कोई चीजों को समझ सकते हैं। ये हमारे पास राजकुमार जी है, ये कन्नौज के रहने वाले हैं, फरुखाबाद के रहने वाले हैं। तो ये ठंडे में घर में भी एक दो बार जाते रहे हैं और इनका पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। समथिंग इनको ट्रेनिंग लेने में 45 दिन का समय लग गया और 20 मिनट की छुट्टी भी हो गई है, 2 महीना पूरा कोर्स हो गया है। तो ये राजकुमार जी है, इनका पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है। राजकुमार जी बताइए आपने कितना टाइम हो गया, कैसे कैसे सारी चीजों को सीखा। और ये जो मशीन लिए जो मैंने आपको चलाना बताया है ये राजकुमार जी ही लिए, कह रहे हैं कि सर मेरे पास सारे टूल हैं, आयरन चिमटी मल्टीमीटर सब कुछ है, अब मैंने हॉटगन मशीन ले लिया है। तो हॉटगन मशीन ये रहेगा कि घर में छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर तुरंत अभी हमारा प्लान नहीं है, क्योंकि इनके सर का जो काम है वो खेती किसानी का काम है, खेती है बहुत अच्छा काम है, लेकिन चाहते हैं कि मैं खेती किसानी से भाई आदमी का लाइफ नहीं करता, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए। तो बोलो भाई आप बताइए सर, ताकि और भी ऐसे लोग हैं तो उनको ये पता चले कि घर में बैठे रहते कुछ नहीं करना चाहते। मेरा नाम राजकुमार है, मैं प्रभाव जिला से हूँ और मैं यहाँ रिपेयरिंग कोर्स सीखा है, लगभग 45 दिन 2 महीने हो गए हैं, मैंने यहाँ पर पूरा कोर्स सीख लिया है। तो इन्होंने बोला इनका पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, इनका कोर्स पूरा हो गया है। और ये जब मेरे पास जब इन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया था तब इन्होंने बताया था कि सर हमारे यहाँ किसानी का काम होता है, हम अपने घर फैमिली को देखते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना एक ऐसा काम सीख लूँ और अपनी फैमिली को आगे ले जा पाऊँ, क्योंकि आदमी क्या होता है खेती किसानी से आजकल खाना कमाना ही हो पाता है, लेकिन घर को अच्छा चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम सोर्स आदमी का होना बहुत जरूरी है। तो ये सर ने एक मशीन ले लिया है, सर के पास और भी सारे टूल्स हो जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि अपने लोकल क्षेत्र है, गांव है, जो लोग जानने वाले हैं तो लोग मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएंगे, तो उनको मोबाइल फोन को हम ठीक करेंगे और अपना भी काम करते रहेंगे काम के साथ साथ, और अपना ये बिजनेस भी हो जाएगा और फिर अपना महीने 2 महीने के बाद अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की अपनी शॉप खोलने वाले हैं, ताकि हम अपना घर का भी काम देखते रहेंगे और अपना रिपेयरिंग भी करते रहेंगे, दुकान भी चलाते रहेंगे। ये आप अच्छा काम करें, अभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी तरफ से जो होगा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, सत्यम सैनी, सत्यम सैनी जी हैं, इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे पास ये 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब तक इनका अपना दिल करेगा तब तक मेरे पास प्रैक्टिकल के लिए आएंगे। और ये ऑलरेडी अपना एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके चक्कर में उसका भी काम देखते रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं भी ये अपना काम ठीक करके अच्छे से काम कर पाऊँ। सत्यम जी बताइए अपने बारे में। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे सर है बहुत अच्छे हैं और मेरी दुकान शॉप खुली हुई है, मैंने तुम्हें रिपेयरिंग करना मुझे नहीं आता, आज भैया क्या मेरी दिलकानी की दुकान थी मोबाइल की फोन हुई है, रिपेयरिंग नहीं करना था इसलिए मैं सीख लिया, अगर मैं सीख तो और इनका
डेकोरेशन का भी काम है, उसके चक्कर में जैसे शादी पार्टी वगैरह ये भी सारा काम देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले देखते हो, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक अच्छे सफल बिजनेसमैन हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने टाइम पे फ्री बैठे रहते हैं। जैसे मतलब दुकान हमारी दुकान है, ये दुकान चल रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 4 घंटे 5 घंटे फ्री बैठे हैं। जब फ्री बैठे हैं तो फ्री बैठने का अगर सफल बिजनेसमैन जिंदगी में वही रहता है जो अगर 8 घंटे काम पे जाता है तो 8 घंटे भाई ड्यूटी की तरह काम करता है। अगर आप 8 घंटे अगर कहीं नौकरी के लिए जाते हो तो आप फ्री नहीं बैठते, पूरा दिन 8 घंटे काम करते हो। जब पूरा 8 घंटे काम करते हो तो यही अगर आप अपने काम के लिए सोच लो तो आपको कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कहीं 4 घंटे काम होता तो डेकोरेशन काम था, लाइट काम था, सारा काम करते थे, जब कभी फ्री रहते थे तो सोचते थे कि हमारे पास जो मोबाइल फोन आता है ये हम कहीं और बनवाने के लिए जाते थे या उसको पैसा देते थे, तो जब उसको पैसा देते तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम ही रिपेयरिंग सीख लें, महीने 2 महीने का समय लगेगा, एक बार जिंदगी की झंझट है। तो इन्होंने खुद सीख लिया, जब खुद सीख लिया तो अब जो इनके पास काम आएगा या जो भी रिपेयरिंग के लिए फोन आएंगे तो अपना पर्सनली मोबाइल फोन को ठीक करेंगे या जब समय होगा तब मोबाइल फोन को ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब खुद का ही बिजनेस बढ़ेगा, मतलब जो खाली समय है खाली समय को यूज कर पाएंगे, एक दिन के अंदर अपना खुद का मोबाइल फोन बना के कम से कम नहीं दिन के बाद पर डे दुकान में 1-2 दिन मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता रहता है। जो 400-500 रिपेयरिंग के लिए जो बाहर देते थे वो 400-500 अपना खुद का प्रॉफिट होता है। यही एक बिजनेस का अच्छा तरीका होता है कि आप एक काम कर रहे हैं उससे आपको 8-10 हजार रुपए आ रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं उससे भी 8-10 हजार रुपए आ रहे हैं, और एक आपने तीसरा काम एक और कर लिया तो उससे भी 8-10 हजार रुपए आ गए, सभी आप कहीं ना कहीं पूरे महीने के अंदर 20-35 हजार रुपए इकट्ठे कर पाते हैं। अगर आप कोई एक काम को पकड़ के अगर इकट्ठा कर ले तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, या तो फिर आप उस चीज के होल सेलर हो, ठीक है ना। तो और मेरे पास अनुभव जी है, इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इन्होंने भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखने के लिए इन्होंने मतलब एक अपना सिस्टम लिया, लैपटॉप खरीदा जिससे इन्होंने सारा सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस भी किया, सॉफ्टवेयर सीखा। इनका भी यही प्लान है कि मुझे भी सर अपना शॉप करना है, अपना बिजनेस करना है, लेकिन बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत सारी चीजों को देख लिया, लेकिन जब हमको कोई चीज नहीं हासिल हो पाई तो मैं सोचता हूँ कि अपना एक हुनर लेकर के अपना अच्छे से आगे का काम करूँ। सर बताइए अपने बारे में। दोस्तों मेरा नाम अनुभव सिंह है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इससे पहले मैं कंप्लीशन की तैयारी करता था, उसमें जब मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो मैंने सोचा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स पूरा कर लें। मेरा कोर्स हो चुका है, सर लोग बहुत अच्छे से मुझे सिखाया, और जो है अब यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी शॉप को ओपन करूँगा। तो ऐसे ही है, देखो जिंदगी में आदमी कभी भी कोई भी काम करता है किसी भी चीज की तैयारी करता है। अगर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट की आने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है तैयारी करके, अगर आपको जॉब मिल जाती तो फिर अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए अगर आप मार्केट में कहीं प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर कोई टेक्निकली अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास टेक्निकली अनुभव होता है तभी आपकी पहचान होती है। वरना पढ़ा लिखा आदमी तो अगर कोई जॉब करने के लिए मार्केट में जाता है तो या तो सिक्योरिटी गार्ड को सोचता है, या तो मैनेजर को सोचता है, या तो सुपरवाइजर को सोचता है, या तो कहीं अकाउंटेंट को सोचता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कह सकता जिंदगी में कि मैं ये काम करूंगा इसका इतना ही पैसा लूंगा। ये क्वालिटी सिर्फ एक टेक्नीशियन के अंदर ही आती है, बाकी किसी के अंदर नहीं आती। अगर हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं भाई ये चीज ठीक हो जाएगा, इसका 300 ही लगेगा। अब कस्टमर ये नहीं समझ पाता कि ये किस बात का पैसा ले रहा है, तो कस्टमर अपने दिल को संतोष करता है कि भाई ये काम हम नहीं कर पाते, ये कर लेते हैं तो इस बात का पैसा ले रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है 300 रुपए लगेगा, 200 रुपए फीस लगेगी, 400 रुपए फीस लगेगी, तो कभी आप अपने दिल में एक अनुभव करके देखना कि उसने जो 400 रुपए पैसा लिया किस बात का पैसा लिया, किस बात का पैसा लिया, सिर्फ अपने नॉलेज का पैसा लिया। तो वही चीज एक टेक्निकली नॉलेज एक ऐसी चीज होती है, अगर आदमी जिंदगी में अपने हासिल कर लेता है तो वो उसको कभी जाया नहीं जाती, हमेशा उसको काम आती है। दूसरी बात क्या होता है, वो आदमी हमेशा एक अपने आप को ले करके खड़ा होता है कि भाई ये मैं काम कर लेता हूँ, अगर आपको ये काम करवाना तो मेरे पास आइए। और हम लोगों का काम ऐसा होता है कि हमको डोर टू डोर जाए वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमको डोर टू डोर जाने के लिए जरूरत नहीं है, कस्टमर हमारा खुद हमको ढूंढते घूम रहा है। बस उसको ये पता चल जाए कि ये अनुभव है, ये मोबाइल फोन ठीक कर लेते हैं। अगर ये मोबाइल फोन ठीक कर लेते हैं तो लोग इनके पास खुद चल करके आएंगे और फोन ठीक करेंगे, पैसा भी लेंगे। सर्विस का लाइन ऐसा होता है, इसमें एक्सपेंस नाम मात्र का होता है,
प्रॉफिट इसका ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हमारी खुद की मेहनत जुड़ी होती है। और कोई भी आप कोई भी आदमी है अगर आपके लिए कोई काम कर देता है मेहनत कर देता है तो अगर आप उससे बोलते हो भैया इसका 300 रुपए लगा, अगर वो नहीं भी लेना चाहता ना तो भी आप उससे यही बात कहोगे भाई आपकी मेहनत हुई है तो कुछ ना कुछ तो पैसा आपको बनता ही है। क्योंकि बाकी सारे सामान की चीज में तो बार्गेनिंग करी जा सकती है लेकिन मेहनत से कभी बार्गेनिंग करी जाती। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आप 300 से छोड़ो आप 1000 रुपए लेने के भी हकदार हो। लेकिन एक पार्ले जी का बिस्कुट है 5 रुपए का है तो 6 रुपए लेने का हकदार नहीं है क्योंकि 5 रुपए का ही है। लेकिन अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो 600 रुपए के लिए आप 1000 रुपए भी लेने के हकदार हो। क्यों हकदार हो? क्योंकि आपने उसको मेहनत किया काम किया तो उनका सर्विस का मान होता है। बस हमको अच्छा सीखना होता है और अच्छा काम करना होता है। तो हम जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के लिए भी यही सारी मैसेज है कि आप अच्छा सीखेंगे बढ़िया तरीके से काम करो कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी एक अच्छा काम होगा और एक अच्छी वर्किंग होगी। तो थैंक यू दोस्तों।